नमस्कार, एबीपी गंगा के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज श्रीवास्तव और बात करते हैं गोरखपुर की प्रमुख खबरों की। सबसे पहली खबर नवरात्र से जुड़ी हुई है। चूंकि चैत्र रामनवमी का समय चल रहा है और नवरात्रि का तीसरा दिन यानी माँ चंद्र घंटा की इसमें पूजा होती है और सबसे बड़ी बात यह है कि मंदिरों पर सुबह से ही आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। और हम बात करें अगर गोरखपुर की, तो गोरखपुर के तमाम दुर्गा मंदिरों पर, शक्तिपीठों पर भक्तगण दिखाई दे रहे हैं सुबह से ही, और तांता लगा हुआ है। सुबह से ही भक्तगण लगातार कतार लगाकर माँ की आराधना में जुटे हुए हैं और कहा जाता है कि नवरात्रि पर दुर्गा माँ के दर्शन करने से परिवार के जो दुख हैं वो दूर हो जाते हैं और इसके साथ ही जो भी मनोकामना होती है वो पूरी होती है। यही वजह है कि गोरखपुर के तमाम दुर्गा मंदिरों पर आस्था का जो सैलाब है वो उमड़ पड़ा है। दूसरी खबर रमजान के पाक माह से जुड़ी हुई है। चूंकि रमजान का माह शुरू हो चुका है और एक माह तक जो मुस्लिम समाज के लोग यानी मुस्लिम भाई हैं और मुस्लिम समाज के लोग पवित्र माह में रोजा रखेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुबह से सहरी के साथ शुरू हुआ ये रोजा शाम को इफ्तारी के साथ खत्म होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रमजान के माह में बाजार भी खूब सजे रहते हैं। और अगर बात करें गोरखपुर की, तो गोरखपुर में सेवइयों के साथ ड्राई फ्रूट्स का भी बाजार सज जाता है और यहाँ पर लोग खूब खरीदारी भी करते दिखाई देते हैं। सुबह का जो बाजार होता है उसमें भी काफ़ी भीड़ रहती है और इसके साथ ही शाम का जो बाजार होता है यानी इफ्तारी के बाद भी लोग बाजार में निकलते हैं और रोज़मर्रा की जो ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं उपयोग की उसको खरीदने के लिए निकलते हैं। और यही वजह है कि गोरखपुर के चाहे गोलघर हो और चाहे रेती चौक, चाहे घंटाघर और चाहे साहबगंज का बाजार हो, यहाँ पर पुरुष के साथ ही महिलाओं की भी काफ़ी भीड़ दिखाई देती है। तीसरी खबर अपराध से जुड़ी हुई है। चूँकि गुलरिया थाना क्षेत्र के मोहीउद्दीनपुर में एक माँ ने अपनी 12 साल की बच्ची के साथ केरोसिन का तेल छिड़क कर आत्मदाह कर लिया और इस हृदय विदारक घटना ने सभी के रोंगटे भी खड़े कर दिए। और बताया जा रहा है कि मोहीउद्दीनपुर के रहने वाले श्रीकांत सऊदी अरब में काम करते रहे और फरवरी 2022 में वे घर आ गए थे और कल उनकी भांजी का इंगेजमेंट का कार्यक्रम था जिसमें पत्नी उर्मिला भी जाने की जिद कर रही थी। लेकिन जब वे अकेले इस कार्यक्रम में चले गए तो नाराज़ होकर पत्नी उर्मिला ने 12 साल की बच्ची सलोनी के साथ केरोसिन का तेल छिड़क कर आत्मदाह कर लिया। दो अन्य बच्चे किसी तरह से अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए और पुलिस इस घटना के बाद मौके पर पहुंची और मृतका के पिता की तहरीर पर अब आगे की जांच कर रही है। हालांकि आला अधिकारियों का कहना है कि इस घटना में कोई बड़ी वजह सामने नहीं आई है। अपराध से जुड़ी हुई है। चूंकि गोरखपुर पुलिस ने देवरिया के रहने वाले एक डांस टीचर और उसके 4 शिष्यों को डकैती डालने के आरोप में गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि देवरिया के भोजपुरी डिस्को चैनल यूट्यूब पर चलाने वाले एक यूट्यूबर और डांस टीचर ने अपने शिष्यों के साथ गोरखपुर में डकैती की वारदात को अंजाम दिया और शातिर तरीके से पहले अपना स्टूडियो डालने के लिए इन्होंने दिल्ली और बनारस सहित अन्य शहरों से 5 लोगों को वीडियो शूट करने का प्रपोजल भेजा था। और जब बनारस के 2 युवक इनके जाल में फंस गए तो उनको गोरखपुर बुलाया गया और खोराबार के जंगल चौरी में इनके साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। यानी इनके जो सामान थे 5ों ने मिलकर उसको लूट लिया और इस डकैती की वारदात को अंजाम देने के बाद सभी फरार हो गए। अब इस मामले में खोराबार पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 2 तमंचा, 1 रिवाल्वर के साथ ही लूट में प्रयोग की गई बाइक और सारा सामान बरामद भी कर लिया है। यानी अब ये 5ों आरोपी यूट्यूब पर हीरो बनने के फेर में जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। शासन के निर्देश पर गोरखपुर का जिला प्रशासन लगातार गोरखपुर के विकास के लिए कार्य कर रहा है और यही वजह है कि अगर बात करें सड़कों के चौड़ीकरण की, तो लगातार चौड़ीकरण के काम तेजी से चल रहे हैं और ट्रांसपोर्ट नगर की जो रोड है पैडलेगंज तक, ट्रांसपोर्ट नगर की जो सड़क है उसको 4 लेन के बाद अब 6 लेन का बनाया जा रहा है। और इसी तरह सुरन रोड को, चूंकि ये मेट्रो का रूट है, मेट्रो का रूट होने की वजह से असुरन पर भी अब 4 लेन की जो सड़क बन चुकी है उसे चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है और इस कवायद है वो शुरू हो चुकी है। हालांकि
इसमें हल्का जो जनता का विरोध है वो भी देखने को मिल रहा है, लेकिन शासन की मंशा गोरखपुर के विकास की है और यही वजह है कि जिला प्रशासन शासन की मंशा के अनुरूप चौड़ीकरण के काम कर रहा है और लगातार इसमें जनता से अपील भी की जा रही है कि वे जिला प्रशासन का सहयोग करें। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एबीपी गंगा।